में और यहाँ चाची के घर यहाँ मैंने चाची चाची तो फ्रेंड्स मैं अभी जा रही हूँ छठ पूजा में तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड गई है मैं अभी वहीं जा रही हूँ तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे छठ पूजा में और यहाँ मैं आ गई हूँ चाची के घर यहाँ मैंने चाची को भी रेडी कर लिया है और बस अब तो चाची को लेके जाऊंगी क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है ना उनको पूजा करना था तो मैंने कहा आप चलो मैं आती हूँ बाद में मुझे थोड़ा काम था मैंने कहा आप चलो मैं बाद में आती हूँ तो मैं चाची को लेकर अब जा रही हूँ चाची को मैंने रेडी कर दिया है और अब चलते हैं चाची हेलो बोलो हेलो जा रही है देखने और अब हम लोग प्रोग्राम स्थल पे पहुंच गए हैं तो देखिए फ्रेंड्स कितनी भीड़ है यहाँ पर हेलो माय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज है महापर्व छठ का तीसरा दिन तो आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई हो तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं छठ घाट पे छठ मैया को नमन करने और उनका आशीर्वाद लेने तो यह हमारे सामने जो मेरी फ्रेंड है ना वो करती है छठ पूजा हमारे यहाँ तो नहीं करते लेकिन ये पर, महापर्व मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं हर साल आती हूँ शाम को भी और सुबह भी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पर्व और छठ मैया का आशीर्वाद सब पे बना रहे छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करें तो मेरी फ्रेंड जो है वो छठ पूजा करती हैं तो वो आ गई हैं उनको मैंने कहा उनको पूजा करनी है तो आप चलो और मुझे घर पर थोड़ा काम था चाय वाय बनानी थी तो मैंने कहा मैं आती हूँ तो बस चाची के यहाँ और चाची को तैयार करके रेडी करके मैं और चाची आ गए हैं और अब देखते हैं मेरी फ्रेंड कहाँ बैठी है इतनी भीड़ में तो पता भी नहीं चलेगा लेकिन फिर भी देखते हैं और फ्रेंड्स इस महापर्व को बहुत ही आस्था के साथ मनाया जाता है और देखिए सब लोग शाम को सूर्य ढलने से पहले ऐसे पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की आराधना करते हैं और उसके बाद फिर सुबह प्रातः काल सूर्य उगने से पहले इसी तरह पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत ही आस्था से ये पर्व मनाया जाता है महापर्व और इसलिए बहुत अच्छा लगता है ये पर्व मुझे तो सच में बताओ इतना अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा और हमारे यहाँ फ्रेंड्स तीन चार पार्क हैं हमारे गली के सामने लाइन से मतलब लगातार चार पार्क हैं तो दो पार्क में इसी तरह व्यवस्था बनाई गई है और बहुत बड़ा पार्क है तो मतलब एक पार्क में चार तीन तीन जगह हाँ तीन या चार जगह इसी तरह पानी में खड़े होने की व्यवस्था बनाई गई है और ये तैयारी पूरी तीन चार पाँच दिन पहले से चल रही है तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई गई है और बहुत भीड़ है देखिए कितनी भीड़ है और अच्छा सब लोग बहुत आस्था के साथ इस पर्व को महापर्व को मना रहे हैं और एकदम मेला सा लगा हुआ है इतना अच्छा लग रहा है कि एक तरफ ऐसे ढोल ढोल नगाड़े सब कुछ बज रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है तो और तो अब हम लोग आ गए हैं पार्क में तो फ्रेंड जो अभी पहले दिखाया था वो पहला पार्क है तो उसमें ऐसे तीन चार जगह व्यवस्था बनी हुई है पूरी छठ पूजा के लिए और चलिए अब चलते हैं दूसरे पार्क में तो वहाँ पे भी छठ पूजा हो रही है वहाँ भी पूरी इसी तरह व्यवस्था बनी हुई है और बहुत अच्छा सजाया हुआ है तो और चलिए इसी पार्क से निकलते हुए चलते हैं ये वाला दूसरा पार्क है और जो अभी व्यवस्था बनाई गई है वो तीसरे पार्क में है तो देखिए आज संडे का दिन है तो हमारे पार्क इस पार्क में कितनी मतलब भीड़ है बच्चे तो वैसे दिन भर ही खेलते रहते हैं और ये देखिए ये आ गए हम तीसरे वाले पार्क में तो यहाँ पे ये ऐसी व्यवस्था बनाई गई है छठ पूजा की बहुत अच्छा लग रहा है तो चलिए छठ मैया को नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भी छठ मैया का घाट कितना खूबसूरत सजाया हुआ है चारों तरफ फूलों से सजा हुआ है और बहुत प्यारा लग रहा है और फ्रेंड्स आप लोग भी छठ मैया का आशीर्वाद ले लीजिए और मैं छठ मैया से यही विनती करती हूँ कि मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को खुश रखना उनकी खुशियाँ उनकी सभी मनोकामना पूरी करना और उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनाए रखना और इस महापर्व पे सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है जो भी प्रसाद वगैरह बनाते हैं मतलब पूरे चार दिन तक ये त्यौहार चलता है पहले दिन होता है नहाए खाए दूसरे दिन खरना जिसमें कि खीर गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाते हैं और वही शाम को खाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब विधि विधान से मनाया जाता है और सफाई का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है तो और फिर तीसरे दिन ए, ढलते सूर्य को अर्घ देते हैं और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दे के इस तरह ये त्यौहार संपन्न होता है और इस महापर्व पर ठिकुआ का प्रसाद मेन होता है जो कि ज़रूर बनाया जाता है ठिकुआ और आटा सूजी और ड्राई फ्रूट चीनी ये सब डाल के ये ठिकुआ बनाया जाता है जो कि बहुत फेमस है इस महापर्व का प्रसाद बहुत ही टेस्टी आता है तो बहुत ही विधि विधान से इस त्यौहार को मनाया जाता है फ्रेंड्स बहुत सफाई से बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तो ऐसे ये महापर्व मनाया जाता है बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे छठ मैया के भजन चल रहे थे लेकिन मैंने डिलीट कर दिया नहीं तो कॉपीराइट आ जाता तो फ्रेंड्स चलिए आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ कितना प्यारा सजा हुआ कितना खूबसूरत फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग आ गए घर पर तो यहाँ पे वर्ल्ड कप चल रहा था तो बच्चे सब देख रहे थे मैच तो लेकिन इस बार हमारी इंडिया टीम हार गई है इस बात का हमें बहुत दुख है लेकिन कोई बात नहीं अगली बार जीतेगी तो यही भगवान से प्रार्थना है मैया से छठ मैया से कि अगली बार जरूर हमारी इंडिया टीम जीते और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए थैंक यू फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर खुश रहें और खुशियाँ बाँटें और फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ बहुत बहुत बधाई हो जय हो छठ मैया की Thank yeah. you.